अब हम सेकंड टीचर की लॉगिन से आईडी से लॉगिन करेंगे, यानी चेक करके। अब देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे हम माय बॉक्स पे जाएंगे, नीले बटन से जो उस पर क्लिक करेंगे, नोट पे जाएंगे, डेस्कटॉप पर, नोट, यहाँ हम लिखेंगे दिस पेमेंट शुड बी रिकमेंडेड। ऊपर सेव पे जाएंगे, इसमें लिखा प्लीज एग्री टू डिक्लेरेशन मेंशन बिलो, तो इसको यानी हमें ओके पे करके ये इसको डिक्लेरेशन करना है। रिकमेंडेड इस पर टिक लगाएंगे, दो पे, फिर ऊपर जाकर ये फॉरवर्ड, अब ये फॉरवर्ड हो गया है आपके प्रभारी के पास। अब यहाँ पे इसको सेंड कर दीजिए। यहाँ से लॉग आउट कर देंगे अब हम। यस, अब हम फर्स्ट टीचर यानी कि प्रभारी के यूजर नेम से लॉग इन करेंगे। ये देखिए थर्ड टीचर, फर्स्ट टीचर का खुल गया है। यहाँ पर आपको नाम शो होगा, यहाँ मैनेज मार्क्स पे जाएंगे, फर्स्ट वाला है, यहाँ साइड में नोट लिखा है, नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस पेमेंट शुड बी डन। तो फर्स्ट टीचर है वो दिस पेमेंट शुड बी डन लिखेगा और ऊपर जाके फिर इसको सेव, केस सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। अब आप इसको चेक कर लीजिए, यही है, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, शांति निकेतन को इसको भेजना है हमको। अगर आप कितना डिडक्शन क्या चाहते हैं दिख जाएगा यहाँ पे, इसको भी क्लिक कर दीजिए, फिर अप्रूव, अप्रूव पे क्लिक करिए, यस। अब इसमें OTP आएगा, सबमिट।
केस अप्रूव्ड सक्सेसफुली। ओके, ये हमारी पेमेंट की प्रोसेस पूरी हो गई। अब यहाँ से फिर आप इस पर क्लिक करिए, इसकी आपको फोटोकॉपी रखनी होगी जो कि कैश बुक में लगानी है। यहाँ जाइए, यहाँ डाउनलोड EPA फॉर्मेट लिखा है, इस पर क्लिक करिए तो आपका जो इसकी रेसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए रेसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है अपनी, इसकी आप फोटोकॉपी करा के रख लें। बस पेमेंट की प्रोसेस लॉग आउट कर लीजिए, इसके बाद पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है।